खतरों के खिलाड़ी में सब स्टंट करने और अपना अलग अलग तरीके से डर भगाने आते हैं, पर असल में सभी कंटेस्टेंट्स के दिल में अपने करियर को बूस्ट करने की बात रहती है और उसके लिए सभी कंटेस्टेंट्स शो में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और कई हफ्तों के इस टॉर्चर के बाद क्या उन कंटेस्टेंट्स का करियर बनता है या फिर एवे वेस्ट हो जाता है? कहाँ है खतरों के खिलाड़ी 13 के कंटेस्टेंट्स? क्या उन्हें कोई काम मिला या फिर अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि खतरों के खिलाड़ी 13 के कंटेस्टेंट सभी कहां हैं और क्या काम कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अर्चना गौतम। अर्चना ने खतरों के खिलाड़ी में आने से पहले बिग बॉस किया और उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, पर खतरों के खिलाड़ी करने के बाद उनका अभी एक हरियाणवी गाना आया है एसी लगवा दे, जिसके एक ही दिन में 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या का खतरों के खिलाड़ी के बाद करियर तो पता नहीं, पर शादी के लगभग 1.5 साल से हनीमून पर जाने के लिए तरस रही ऐश्वर्या के बाद सबसे पहले अपने पति नील भट्ट के साथ मालदीव्स में हनीमून बनाने गई और अब खबरें ये आ रही हैं कि वो हमें जल्द ही नील के साथ ही बिग बॉस 17 में नजर आने वाली हैं। अंजलि आनंद। अंजलि ने अपने इस साल की शुरुआत बड़ी ही शानदार की। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ, पहले तो वो खतरों के खिलाड़ी में नजर आई और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी बॉलीवुड मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हो गई और उनको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। पर इसके बाद अभी तक फैंस उनके किसी न्यू प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। रोहित रॉय। रोहित रॉय को सब उनके काम के साथ साथ उनके भाई रोनित रॉय की वजह से भी जानते हैं। खतरों के खिलाड़ी में रोहित बस एक ही एपिसोड के लिए रुक पाए क्योंकि पहले ही दिन उनको मेजर इंजरी हो गई। रही बात उनके करियर आफ्टर केकेके की, तो उन्होंने शो के बाद अतरंगी चैनल पर पेपर नाम का एक प्रोजेक्ट किया है। सुंदुस मोफकीर। सुंदुस बहुत ही बड़े बड़े सपने लेकर मोरक्कन से इंडिया आई थी। पहले उन्होंने एमटीवी पर स्पिट्स वाला किया और जीता भी, जिसके तुरंत बाद ही उनकी किस्मत से उनको सीधा इंडिया का टॉप रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी करने का मौका मिला। और अब उनके डांस स्किल्स और सुंदरता को देखते हुए उन्हें कई म्यूजिक एल्बम्स के ऑफर आ रहे हैं और वो के बाद नॉटी बलमा नाम के एक सॉन्ग में आ चुकी है, जिसके 2 हफ्ते में 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। डीनो जेम्स। रैपर इंडस्ट्री के नामी रैपर डीनो जेम्स खतरों के खिलाड़ी के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है। केकेके के बाद उन्होंने मल्टीपल सॉन्ग्स रिलीज किए, जिसके नाम है पहली जैसी बात नहीं और बॉयफ्रेंड पार्ट 1, और दोनों ही सॉन्ग सुपर हिट रहे। डेजी शाह। डेजी शाह 2018 की Race 3 के बाद से ही कहीं गायब थी और उन्होंने पिछले 5 साल में एक मराठी और एक गुजराती मूवी की, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। पर खतरों के खिलाड़ी में आने के बाद से उनकी अब बैक टू बैक 2 मूवीज मिस्ट्री ऑफ द टैटू और द एलिफेंट इन द रूम आने वाली है। इसके साथ साथ उनकी एक वेब सीरीज द घोस्ट ऑफ गांधी का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कुल मिलाकर डेजी के लिए के और ये साल उनके करियर के लिए अच्छा रहा। शिजान मोहम्मद खान। शिजान ने तुनिशा केस में फंसने की वजह से पिछले 1 साल में कोई काम नहीं किया और खतरों के खिलाड़ी के बाद उनको काम मिलने की काफ़ी उम्मीद थी, पर अभी तक उन्होंने अपने किसी भी काम की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। पर YouTube पर अगस्त 2023 में अपना एक चैनल ज़रूर शुरू किया, पर वो भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है। अंजुम फकी। अंजुम को सब 2017 से सीरियल कुंडली भाग्य में देख रहे हैं सृष्टि के रूप में, और खतरों के खिलाड़ी के एक छोटे से ब्रेक के बाद अंजुम ने वापस से उसी सीरियल में अपने उसी किरदार को वापस पकड़ लिया और अब आप उन्हें फिर से कुंडली भाग्य में सृष्टि के रोल में देख सकते हैं और अंजुम अभी के लिए अच्छे ऑफर के इंतज़ार में है। अरिजीत तनेजा। अरिजीत को खतरों के खिलाड़ी में आने से पहले हम सब ने सीरियल बेकाबू और नागिन में देखा था, पर के बाद वो अभी तक फ्री हैं और स्टिल सर्चिंग एंड वेटिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी। रूही चतुर्वेदी। रूही चतुर्वेदी की खतरों के खिलाड़ी की जर्नी बहुत ही ज़्यादा छोटी रही। वो दूसरे ही हफ्ते में शो से बाहर हो गई और वो के फेम को इतना यूज़ नहीं कर पाई एंड स्टिल लुकिंग फॉर वर्क।
शिव ठाकरे। शिव ठाकरे का नाम जैसे ही खतरों के खिलाड़ी के लिए सामने आया था तो फैंस ने मन ही मन में उनको इस साल का विनर मान लिया था, पर शो में वो अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन पर इतने अच्छे से खरे नहीं उतरे। और रही बात उनके करियर की, तो केके के बाद उनका अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं आया है, पर वो कई काम कर रहे हैं जैसे डब्बू रतानी के साथ शूट, मराठी डांस शोज में गेस्ट अपेयरेंस, रेडियो सिटी पर इंटरव्यू, टेरेंस लुइस के साथ डांस परफॉर्मेंस। और इन सब के साथ साथ शिव ने पिछले एक महीने में कई अवार्ड्स भी जीते, जैसे कि दादा साहेब फाल्के सोलमेट अवार्ड एंड आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड फॉर बिग बॉस फेमस पर्सनालिटी। नायरा बनर्जी। नायरा जिनको सब पिशाचनी के नाम से भी जानते हैं, इनके करियर को खतरों के खिलाड़ी के बाद एक अच्छा बूस्ट मिला और वो बैक टू बैक काम कर रही है। अतरंगी पर उनका शो लिबास आ चुका है, म्यूजिक एल्बम बारिश जल्द ही रिलीज होने वाली है और साथ में जियो सिनेमा पर उनकी वेब सीरीज फॉर से फैंटेसी भी रिलीज हो चुकी है। रश्मीत कौर। इस साल की लड़कियों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी रश्मीत एक मशहूर सिंगर है और खतरों के खिलाड़ी में आने के बाद उन्होंने अपनी एक म्यूजिक एल्बम दिल खंजर रिलीज की, जिसमें वो खुद एक्ट कर रही हैं और ऐसी ही और भी म्यूजिक वीडियोस पर वो काम कर रही हैं जो हमें जल्द ही बैक टू बैक देखने को मिलने वाली हैं। आपके हिसाब से खतरों के खिलाड़ी 13 ने सही मायनों में किसका करियर सेट कर दिया और आपका इस साल का फेवरेट खिलाड़ी कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।